हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जास्ट 100 डेज। जी हाँ गाइस, तो आज है हमारा 42nd डे एंड आई होप आप बहुत ही ज्यादा ऑसम होंगे एंड फाइनली आज आप मुझे फाइनली देख पा रहे हो लाइव कैमरा में आफ्टर लाइक इतने सारे दिनों के बाद। क्योंकि गाइस बैक साइड में आप देख सकते हो मेरे घर का इंटीरियर चल रहा था एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो इफ यू वांट अ रूम टूर तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इस वीडियो में अगर गाइस 500 लाइक्स आता तो मैं रूम टूर आपको जरूर दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे बाकी के जो प्रीवियस चैलेंजेस है उनको चेकआउट नहीं किया है या सॉल्व नहीं की है तो प्लीज जब भी आपको फ्री टाइम मिले इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड फाइनली हम 40 डेज जो है क्रॉस कर चुके, तो अभी आप नोटिस करोगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो थोड़े अच्छे आने लगे। अब एटलीस्ट बेसिक और इंटरमीडिएट का बीच का हो चुका है, अब है ना, एवरीडे हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो उसी तरीके से बताना चाहूंगा गाइस कि वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अभी तक चेकआउट नहीं किया तो इसको भी कीजिए, आज तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। खासकर पार्ट वन में मैंने जो एरे वाला जो टॉपिक मैंने कवर किए चैप्टर्स में, आप चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि आज हम करने जा रहे गाइस आपका क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन। जी हाँ गाइस, कार्ड बेसिकली कुछ इस तरीके से कार्ड होता है नो, तो ये जो भी कार्ड है कुछ इस तरीके से। सो गाइस आपने देखा होगा इसमें एक नंबर लिखा रहता है, तो वो जो भी नंबर है इज इट वैलिड और नॉट, मतलब आपके दिमाग में आता होगा ना कि मेरे पास जो कार्ड है इज इट वैलिड और नॉट, राइट। तो वो आज हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एल्गोरिदम जिसका नाम है लून एल्गोरिदम। बट लून आई गेस जहां तक मुझे याद है ये एच साइलेंट है इसमें, सो इट्स अ लून एल्गोरिदम है ना। तो ये एल्गोरिदम कसम से ये बहुत बड़ा एल्गोरिदम है, फिर तो इसलिए मैंने कहा गाइस फाइनली आप में से जितनों को भी अभी तक ये फील हो रहा था अरे बहुत इजी है, तो आई गेस ये वाला आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप रखा है। यू नो जैसे सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, तो मैंने पूरा एक एक स्टेप रखा था कि एक कंप्लीट होते ही फट से दूसरा आ जाएगा। तो इसमें आपको खुद से सोचना नहीं है, इट जस्ट आपको जो बोला गया है वो अब आपको करना है। इट्स लाइक अ मिनी इंटरव्यू जिसमें 10-20 इंटरव्यू एक ही क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि पहले रिवर्स करो, फिर डबल करो, फिर मैप लगाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, है ना, फिर पता नहीं कितने कंडीशन के बाद जाके पता चलता है अच्छा ये वैलिड है या नहीं। सो गाइस इसलिए मैंने सोचा आज इतना स्पेशल क्वेश्चन पे फाइनली अपना फेस दिखाना जरूरी, ताकि थोड़ा और इंटरएक्टिविटी हमारे बीच बढ़े, यू नो। तो या गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको तो गाइस जब मैं अभी स्टार्ट करूंगा वन बाय वन टैकल करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी के अभी आप वीडियो को कीजिए पॉज एंड आप खुद से इसको रीड कीजिए। मैं इसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्वेश्चन का, आप खुद इसको रीड कीजिए एंड देखिए। पहले स्टेप वन कीजिए, जैसे रिवर्स हो जाता है फिर उसको आपको देखना है कि जो भी आपके सेकंड वाले नंबर होंगे, समझ रहे, जैसे जो भी जीरो एंड आई मीन बेसिकली वन टू फिर थ्री है देन फोर फिर फाइव को छोड़ के फिर सिक्स, तो जितने भी इवन नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाइड बाई टू करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जितने भी आपके इवन नंबर आते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को टू से इंटू करना है, समझ रहे, यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसको अगर आप टू से मल्टीप्लाई करते हो उसमें डबल डिजिट आ जाता है तो उसको फिर माइनस नाइन करना है, जैसे ये 16, जैसे ये 18, जैसे 14, उनको माइनस नाइन करना है। एंड अब जब इतना सब कुछ हो जाता है तो आपका एट द एंड में वापस एक इस तरीके का सीरीज मिल जाएगा फिर से। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी सीरीज अब आपको मिले हैं उन सबको आपको क्या करना है, सम करना है। एंड जब आप करोगे उसका सम तब आपको उसको फिर 10 से डिवाइड करना है। एंड देन जब आप 10 से डिवाइड करोगे एंड रिमाइंडर या मॉड्यूलस अगर जीरो आता है इट मीन्स आपका वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर है। अगर बाय चांस जीरो नहीं आया, कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 9 के बीच कुछ भी आया, मतलब वो वैलिड नहीं है। तो आपने देखा ना गाइस ये सिंपल है, लेकिन एक काम होने के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से लूप के अंदर चलता जाएगा। तो बस यही अब आपको खुद से देखना है कि ये आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक पॉज नहीं किया तो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं बता रहा हूँ कम से कम आप इसको कम से कम 20 मिनट तो दे सकते हो। आई गेस 20 मिनट में आप फिगर आउट कर लोगे अरे हाँ इसको ऐसे कर सकते थे, क्योंकि मेरे हिसाब से 20 मिनट एकदम परफेक्ट इस क्वेश्चन के लिए एज अ बिगिनर, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, जो दो नंबर दिए जिसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, जबकि दोनों देखने में एकदम सही लग रहे हैं। तो हम इसको लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। सो यह कॉन्स्ट इट्स अ वैलिडेट क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से हम चल देते हैं, ठीक है। इस पे आप देख सकते हो हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है, तो लेट्स गो विद स्ट्रिंग, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो वी नीड टू रिवर्स द डिजिट। नाउ रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर फॉर द एग्जांपल इट बिकम्स कुछ ये। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है वी नीड टू रिवर्स द डिजिट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ,
हम एक एक को टैकल करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो इट्स स्टेप वन जहां पे वी नीड टू रिवर्स द डिजिट। चलो ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कंसोल डॉट लॉग एस टी आर डॉट रिवर्स है ना, इस तरीके से, एंड मैं करता हूँ यहाँ पे, और राइट इसको क्लीन करता हूँ एंड फिर से इसको मैं रन करता हूँ, लेट्स सी तो क्या आता है। यहाँ पे बता रहा है एस टी आर डॉट रिवर्स इज नॉट अ फंक्शन। क्या करोगे आप बताओ, चलो रिवर्स करके देख लेते हैं। आई मीन बहुतों को यही लग रहा होगा क्योंकि वी हैव अ रिवर्स, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये भी हम नहीं कर पा रहे, इसमें आप अगेन आपको स्प्लिट करके फिर रिवर्स फिर ज्वाइन, वो फंडा उतना मेहनत नहीं करना है। डेट्स वाई इसको मैं हटा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, सिंपल लूप चलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट एंड इवन स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं फॉर ऑफ लूप यूज कर सकता हूँ, फॉर ऑफ यूज कर सकता हूँ, बट मैं फॉर लूप भी, आई मीन फॉर लूप भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर लेट आई इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, ये जो नंबर है इसको मुझे पीछे से प्रिंट कराना है, 7, 6, 4, 6 इस तरीके से। सो मेरा जो नंबर होना चाहिए वो एकदम लास्ट वाला नंबर होना चाहिए, लास्ट। एंड कैसे पता चलेगा, वी हैव str डॉट लेंथ length, ठीक है। एंड अब ये जो i की वैल्यू मुझे कंडीशन देनी है, कब तक चलनी चाहिए, ये मुझे एकदम फर्स्ट तक आना है, ऑब्वियसली मुझे पीछे से लेके एकदम फर्स्ट आगे तक पहुंचना है ना, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो ऑलवेज मेरा क्या रहेगा गाइस, जब तक ये जीरो ना हो जाए, राइट। सो इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड देन आई प्लस प्लस नहीं, आई माइनस माइनस, क्योंकि सबसे पहले लेट्स से यहाँ पे टोटल चार मतलब 12 है, तो 12 होगा पहले, फिर 11, फिर 10, इस तरीके से एक तक आना चाहिए। सो आई माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो भी नंबर मिलेगा रिवर्स में उसको एक जगह पे स्टोर करके रखना है। लेट रिवर्स नंबर या स्ट्रिंग जो भी आप लिख सकते थे, है ना। फिलहाल के लिए मैं एम्प्टी रख देता हूँ इसको इस तरीके से। एंड यहाँ पे तो ये जो मेरा रिवर्स नंबर होगा विल बी इक्वल टू रिवर्स नंबर कॉन्केट, क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग में है तो हम कॉन्केट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जो भी मेरा एस टी आर ऑफ आई होगा इस तरीके से, ठीक है। सो ये मेरा काम हो गया, कंसोल डॉट लॉग रिवर्स नंबर में कर देता हूँ। ये तो सिंपल है, अभी तक हम कर चुके हैं सिंपल, मैंने अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स नहीं बताया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो पहला ही स्टेप है ना, तो रिवर्स ही करना था खाली। सो वी आर गेटिंग अनडिफाइंड सबसे पहले के लिए, तो पता है क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है हम यहाँ पे इंडेक्स पकड़ रहे हैं एंड ऑलवेज एरे में जो इंडेक्स होता है वो लेंथ माइनस वन होता है। सो लेंथ माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ये चलता हूँ और लाइक ओके। देखो पहले का अनडिफाइन तो चला गया, बट एक और प्रॉब्लम में ये है कि हमने कंडीशन क्या दी, आई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बट इंडेक्स नंबर जो है वो तो स्टार्ट ही होता है जीरो से। सो आवर कंडीशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब फाइनली मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड फॉर द टाइम बीइंग मैं एक को जो है कमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ हम एक को ही देखेंगे, बाकी अपने आप हो जाएगा। इसको मैं अगर रन कर रहा हूँ तो ये देखो 7, 6 देखना, ध्यान से देखना। सो इट्स 7, 6, 4, 6, 7, 6, 4, 6 3, 4, 3, 0, 3, 4, 3, 0 88 41 88 41 93 549 मेरा रिवर्स हो गया, माई फर्स्ट स्टेप इज डन, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ऑल राइट, ठीक है। तो गाइस कितनों ने यहाँ तक कंप्लीट की, एक लाइक कर दीजिएगा, ऑल राइट। अब इसको मैं हटाता हूँ, स्टेप टू यहाँ पे चलते हैं। सो ये पार्ट हो गया, नाउ डबल एवरी सेकेंड डिजिट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान से देखना है, ये वाला इसको मैं टू डू कर देता हूँ, ठीक है। डबल एवरी सेकेंड डिजिट, यहाँ पे भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारा ये नंबर है 4539, सो ये क्या होगा, 4 एज इट इज रहेगा, 5 को मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 9 को मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। ओ माई गॉड, एक सेकेंड, आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाला है। ओके देखा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे एंड दैट इज ये स्पेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी डोंट नीड अ स्पेस, हमें स्पेस की नीड नहीं है, ठीक है। सो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले रिवर्स करने से पहले हमारा इनिशियल स्टेप होगा, इनिशियल स्टेप है ना, यहाँ पे मैं चल देता हूँ इनिशियल, ऑल राइट। सो इट विल बी लाइक कि मुझे स्पेस हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो भी स्ट्रिंग है इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेस को हटाना था, तो वो बहुत सारे तरीके करने के, एक सिंपल तरीका, इट विल बी लाइक एस टी आर विल बी इक्वल टू एस टी आर डॉट, वी कैन डू द रिप्लेस मेथड, आई मीन वी कैन यूज द रिप्लेस मेथड, जहां पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा जितने भी नॉन डिजिट वाले मेरे नंबर है
ग्लोबल फ्लैग यूज कर रहा हूँ उसको आप रिप्लेस कर दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, ये मैंने सिंपल रखा है, ये मेरा स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये मैंने नॉन डिजिट को पकड़ लिया एंड ग्लोबली पकड़ ली, बोले जितने भी नॉन डिजिट मतलब जो डिजिट नहीं है, जैसे कि स्पेस है, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको वो हटा के क्या कर देगा, बिल्कुल स्पेस खत्म, रिप्लेस कर रहा है एम्प्टी स्पेस से, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको रन करता हूँ एंड बूम गाइस, फाइनली सो फाइनली आप देख सकते हो कि नाउ जो मुझे वैल्यू मिल रहा है उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। नाउ मुझे अब टू से मल्टीप्लाई करना है एवरी इवन नंबर को, मतलब इस नंबर को मुझे अब टू से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको एंड देन इसको, तो जितने भी ये सेकंड डिजिट है मुझे इनको डबल करना है, इट मीन्स मुझे इंटू टू करना होगा, मेरा सेकंड स्टेप ये, ठीक है। ये जो जैसा बोल रहा है ना आप वैसा कीजिए, अब ये मत सोचिए हम ये क्यों कर रहे हैं, ऑलरेडी भी यही बोल रहा है हम क्या करें, ठीक है। लेट्स से स्टेप टू, दैट इज वी नीड टू डबल एवरी सेकेंड डिजिट। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं मेरे ये जो सेकेंड डिजिट है उसको मल्टीप्लाइड बाई टू करके एक वापस से ऐसा ही एरे कैसे निकाल सकता हूँ, ऐसा स्ट्रिंग कैसे निकाल सकता हूँ। आप सोचो आप क्या कर सकते हो, आपको हर एक सेकेंड डिजिट को इनटू करना है टू से, है ना। आप इसको इस तरीके से समझ लो, कुछ नहीं करना आपको, खाली ये जितने भी नंबर है इनको वन बाय वन आपको प्रिंट कराना है। कर सकते हो ये, ऑब्वियसली कर सकते हो, लाइक यहाँ पे मैंने प्रिंट ही तो करा है, उल्टा वो भी रिवर्स में प्रिंट करा दिया। यहाँ पे अब आपके माइंड में आ रहा होगा शायद इसको अगर मैं इंटू टू कर देता, कुछ ऐसा हम सोच सकते हैं, राइट। इंटू अगर मैं टू कर देता तो काइंड ऑफ आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने ना क्या सोचा है मैं आपको बताता हूँ, करने के बहुत तरीके, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये सोचा कि मेरे लिए एकदम ईजी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा पता है, ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं एरे में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो कैसे मैं बताता हूँ, तो लेट मैं यहाँ पे डबल नम कर देता हूँ, ठीक है, डबल नंबर बेसिकली। एंड हमारा ये जो एस टी आर है, मेरे पता पहले क्या सोचा था, मैं मैप मेथड यूज करता हूँ ऐसे करके, है ना। यहाँ पे गाइस आपका आ जाएगा करेंट डिजिट या नंबर, एंड हियर वी नीड इंडेक्स नंबर। तो मेरे माइंड में ये था इफ, अब सिंपली हमें बस क्या करना है, हमारा जो भी इंडेक्स नंबर है अगर वो इवन नंबर नहीं होगा तो हमें उसको मल्टीप्लाइड बाई टू करना है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्यों अब हम इवन नंबर को टारगेट नहीं कर सकते। सो अगर हमारा इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाई टू, अगर मॉड्यूलस अगर जीरो नहीं आता है, अब यहाँ पे जो भी मेरा नंबर मुझे मिलने वाले हैं वो सब मुझे ऑड नंबर मिलने वाले हैं, समझ रहे हो, एक तीन पांच, ऑब्वियसली ये वही हुआ ना इसका मतलब, एंड उससे कोई तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। एंड एक चीज आई जस्ट रियलाइज कि हमारा ये जो एस टी आर है ना, हमें एस टी आर नहीं लिखना है, वी नीड टू राइट दिस रिवर्स नंबर, क्योंकि हमने नंबर को अब रिवर्स कर दिया था ना, तो मैंने इसको रिवर्स कर दी, ठीक है, ये एक चेंज करना था। एंड अब बहुत ही ज्यादा सिंपल, एंड दैट इज कि मेरा जो भी करंट डिजिट होगा इट विल बी इक्वल टू माय करंट डिजिट इनटू टू, दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, रिटर्न करंट डिजिट, एंड क्योंकि ये जो है रिटर्न करना चाहिए इसको, एंड देन वी हैव अ डबल नंबर, डबल नम, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे चलता हूँ, रन करता हूँ, इसको हटाता हूँ, रिवर्स नंबर डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग में आप ये मैप मेथड तो यूज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट, मुझे किसी तरीके से उस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना होगा, एंड देन आई कैन यूज मैप मेथड, राइट। सो बहुत ही ज्यादा ईजी है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है ताकि मैं मैप मेथड का यूज कर सकूं एंड डेटा को मैं रिटर्न करा सकूं। अब आप सोचिए क्या कर सकते हैं, राइट। हम बहुत बार स्टार्टिंग में हमने बहुत किया था, मुझे कमेंट्स भी आए थे, स्प्लिट मेथड तो मैं कभी नहीं भूलूंगी या भूलूंगा, मतलब मुझे ऐसा कमेंट आया था, तो फिर से वही है स्प्लिट मेथड एंड दिस इज इट। तो अब मैंने उसको स्प्लिट कर दी इंटू एन एरे, राइट, एंड हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके सब कुछ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं यहाँ चलता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, देन हिट करता हूँ, बूम गाइस, सी ये देख लीजिए मुझे एरे मिल गया 7 12। देखो देर इज ए प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूँ, 7 एंड देन 6, तो 6 इंटू 2 12, 4 एज इट इज है, फिर 6 इंटू 2 आपका 12, ये देखो, मतलब जो जो हमारा इवन नंबर था वो इंटू हमने 2 कर दी, ये मेरा काम हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है, देखो थर्ड स्टेप ये बोलता है सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम नंबर्स हायर देन 9।
अब कोई भी ऐसे नंबर्स जो 9 से बड़े हो उसमें -9 कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे वी हैव दिस 12, 12, 16 एंड ओके, बाकी तो कहीं नहीं, खाली 1, 2 एंड 3। ये अपने को लेना देना भी नहीं है कि सिर्फ 3 है या 5 है या सबके सब है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। अभी फिलहाल हमारा क्या था वहां पे, एक 16 था। इसका एक और एल्गोरिथम, ऐसे आप अगर चेक करोगे ऑनलाइन तो आपको डिफरेंट अप्रोच मिलेंगे इस जगह पे। किसी का कहना ये कि अगर 9 से बड़ा है नंबर, देन जो भी नंबर होता है उसको माइनस कर दो। 16 × 9 = -9, इट विल बी आई गेस 7। ठीक है, हमें 7 आ गया। अब किसी किसी का पता क्या कहना है, एंड ये भी बहुत ऑसम, एंड दैट इज कि अगर कोई भी नंबर 9 से बड़ा है या डबल डिजिट वाले है, देन उनको इंडिविजुअली एड कर दो। इट मीन्स 1 + 6, ये भी आपका 7 हो जाता है। वाओ, है ना, इतना ज्यादा ऑसम। तो इसी बात पे एक लाइक बनता है। उसी तरीके से वी हैव अ 14, 9 से बड़ा है तो 14 - 9 इट विल बी योर 5। वहीं अब इस 14 को अब मैं अगर 1 + 4 कर दूं इंडिविजुअली तो ये भी 5 आता है। तो इधर आप माइनस 9 करो या तो उन डबल नंबर को प्लस कर दो आपस में ही, तो जो दोनों के दोनों वैल्यू ऑलवेज सेम आने वाले हैं। तो नाउ ये जो थर्ड स्टेप है, इधर यू कैन गो विद ये वाला अप्रोच जहां पे माइनस 9 कर दो, एल्स आप उसको इस ये वाला अप्रोच भी अपना सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या इजी लगता है, बट फॉर माई रीजन आई गेस माइनस 9 करना बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना ये जो पार्ट है। अब यहाँ तो मुझे डिजिट मिल चुका है, राइट, सो मैं इसी के अंदर ही मुझे फिर से कंडीशन लगाऊंगा, दैट इज मेरा करंट डिजिट अगर ये 9 से बड़ा होता है तो मुझे मेरे करंट डिजिट को यू नो माइनस करना है विथ 9। सिंपल इस तरीके से, एल्स माई करंट डिजिट विल बी ऑलवेज इक्वल टू दैट सेम करंट डिजिट, क्योंकि अगर 9 से छोटा है वो तो मेरा करंट डिजिट जो था उसको एज इट इज ही रखना है। ठीक है, कंट्रोल एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। अब मैं वापस इसको रन करता हूँ एंड देन मैं क्लीन करता हूँ। अब देखो, अब जो भी है यहाँ पे सब सिंगल डिजिट हो गए, यहाँ पे जो भी मेरे डेटा है सारे सिंगल डिजिट हो गए। देखो ना, कहीं पे भी आपको डबल नहीं मिलने वाले। ऑलराइट, तो अब ये वाला जो मेरा पार्ट हो गया है, इसको अब मुझे क्या करना है, इन सब को मुझे अब सम करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो गया। नाउ नाउ आवर सीरीज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है सब सिंगल डिजिट में। नाउ वी नीड टू सम ऑल द डिजिट, वी नीड टू सम ऑल द डिजिट, एंड जब आप उसको ऐड करोगे कुछ इस तरीके से, है ना, तो जो भी वैल्यू आती है, देन यू नीड टू चेक द मॉड्यूलो 10। बहुत सभी लोग इसको मॉड्यूलो 10 भी बोलते हैं, ये देखो। एंड अगर रिमाइंडर अब आपका 0 आ गया, इट मीन्स वो वैलिड है। तो अभी मुझे दो काम करना है। सबसे पहला कि पूरा मुझे टोटल सम निकालना, इट्स लाइक एड टू कार्ट में जब आप टोटल सम निकालते हो, एंड दूसरा यू नो जब सम निकलेगा वापस उसका आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर करके चेक करना है, अगर 0 वैल्यू आती है इट मीन्स वो वैलिड है, एल्स वैलिड नहीं है। तो आपने देखा ना गाइस, एक नंबर को चेक करने के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां तक पहुंच गए। अब ये जो पार्ट है डबल नंबर, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्टली रिड्यूस जो है मैं कॉन्कैट कर, मैं चेनिंग मेथड यूज कर रहा हूँ, जहां पे बहुत इजीली हम ये सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव एक्यूमुलेटर, इफ यू डोंट नो व्हाट इज दिस रिड्यूस मेथड, देन गाइस प्लीज विनती है आपसे, मैंने ना कसम से बहुत मेहनत की इस वीडियो में, आपको इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा जहां तक मुझे मालूम है। तो कृपया करके ये इस वीडियो को एक बार देख तो लीजिए आप, तब आपको पता चलेगा अरे माय गॉड, ये मतलब इतना बेटर फ्री में कर दिया भाई ने सब, तब आपको रियलाइज होगा इस कोर्स की वैल्यू। आप एक बार एक काम कीजिए, बाकी का भी देखिए और एक बार इसको भी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत की इसमें। सिर्फ 200 से ज्यादा एनिमेटेड स्लाइड्स है गाइस, समझ रहे हो। अब आप ये आप खुद सोचो कितनी मेहनत की मैंने इस पे। प्लीज एक बार देखिए तो सही, लाइक तो कीजिए, दोस्तों को शेयर तो कीजिए। अब वहां पे रिड्यूस मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, एंड देन वी हैव अ करंट एलिमेंट, है ना। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, अब बाय डिफॉल्ट कर्ली ब्रेसेस की भी नीड नहीं है बाय द वे। यहाँ पे आप डायरेक्टली आपका ये जो एक्यूमुलेटर है उसको आप एक करंट एलिमेंट से प्लस कर दीजिए, एंड एक कॉमा देके 0 वैल्यू दे दीजिए। तो ये 0 वैल्यू क्यों दी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको एक्यूमुलेटर का इनिशियल जो वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है, एंड बाय डिफॉल्ट मैंने 0 कर दी। तो अब जितने भी करंट एलिमेंट मुझे मिले होंगे, क्योंकि रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे इस तरीके से आ गया डेटा। अब यहाँ पे देखना मुझे क्या मिला, मुझे कोई तो एक सिंगल डिजिट मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ऑलराइट, इन्होंने यहाँ पे गाइस इसको क्या किया, एडिशन कर दी, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि इंस्टेड ऑफ एडिशन व्हाट दे डिड इज कॉन्केटिनेशन। देखो ना, इनिशियल वैल्यू 0 थी, सो वी हैव अ 0, एंड उसका 7 3 4 डबल 3 7 3 4 डबल 3
देखा आपने, जो वैल्यू था कॉन्केट हो गया। इट मींस हम एडिशन तभी कर सकते हैं जब उसका डेटा टाइप हो नंबर, बट इन आवर केस इट्स स्ट्रिंग। तो मुझे अब वापस यहाँ पे कुछ तो भी करना पड़ेगा। इधर मैं इसको चेंज करूँ, या ये जो मेरा करंट एलिमेंट है इसको ही नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, तो जैसे भी करके मुझे कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। एक्यूमुलेटर इट्स ऑलरेडी जीरो, तो कोई टेंशन नहीं, बट जो भी मेरी वन बाय वन वैल्यू आ रही है उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दी। नाउ लेट चेक इट आउट क्या होता है ना। ओ माई गॉड, इट्स 80, परफेक्ट। मुझे मेरा वैल्यू आ गया, इतना मेहनत करके मुझे मेरी वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन थिंग एंड दैट इज रिटर्न। मेरी ये जो भी डबल नंबर होगी, ठीक है, ये जो भी मेरा डबल नंबर है इसको अगर मैं मॉड्यूलस निकालू 10 से, एंड इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू जीरो, खत्म। अगर ये ट्रिपल इक्वल टू जीरो है इट मीन्स इट्स ट्रू, एल्स इट्स अ फॉल्स, मतलब वो नहीं है। सो बूम गाइस, सी इट्स अ ट्रू, एंड हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा गाइस, देखा ना आज का वीडियो कितना ज्यादा ऑसम था, क्योंकि कितना कुछ करना पड़ा यार हमें। देखो करने के बहुत सारे तरीके थे, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे डिफरेंट अप्रोच के साथ, लेकिन मैंने आपको दिखाया कैसे आप यू नो पहले आपने क्या की विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन बच्चों वाला, डिजिट जितने भी नॉन डिजिट को हटाया आपने, फिर रिवर्स की आपने, ये चेकआउट किया पहले तो उसको एरे में कन्वर्ट की, एंड देन आपने ये चेकआउट की कि जितने भी इवन नंबर में जो भी वैल्यू है उसको इंटू टू करना था। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना था कि जो भी वैल्यू अब डबल डिजिट हो गई है या 9 से बड़ी है उनको माइनस 9 करना था, माइनस 9 कर दी। एंड अब उसके बाद जितनी भी वैल्यू वापस हमें मिली उन सबको हमने क्या कर दी, एडिशन कर दी। एडिशन करने के बाद उसको हमने 10 से डिवाइड की, ये चेक किया कि मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं। अगर आता है इट मीन्स वो वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर है, एल्स नहीं है। अब ये सेकंड वाला, इसको मैं रन करता हूँ। सो देखो एक का 80 आया इट मीन्स टू, दूसरे का 57 आ रहा इट मीन्स इट्स अ फॉल्स। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, एंड फिर से 500 लाइक्स अगर आप मेरे रूम का इंटीरियर देखना चाहते हो, बहुत मेहनत की इसमें मैंने खुद ही, ठीक है, डिजाइन भी ऑलमोस्ट मैंने खुद ही किया है। तो बताना चाहूंगा गाइस, ये अभी तक बाकी के जो प्लेलिस्ट है इसको चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा, एंड जावास्क्रिप्ट का वीडियो को प्लीज चेकआउट कीजिए, सीएसएस एचटीएमएल, एंड बहुत जल्द रिएक्ट सीरीज आ रहा है, तो इफ यू वांट रिएक्ट उसके लिए भी लाइक बनता है। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। मिलता हूं मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।